नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम। आज ईद है और ईद की सभी को मुबारकबाद। हम अभी अपने घर सुपौल डिस्ट्रिक्ट में हैं और सुपौल से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर ये कोसी नदी है जहां हम आए हुए हैं घूमने के लिए। पीछे एक नाव चल रहा है, उस तरफ से आदमी इस तरफ को आ रहे हैं और यहाँ पर कुछ भूसे रखे हुए हैं जो उस तरफ पहुँचाया जाएगा। अभी ये भूसा जो है उस तरफ से इस तरफ को लाया गया है। अब ये लोग इसको उतारेंगे, यहाँ पे उतार के साइड साइड में रखे हुए हैं। हमको उस साइड जाना है और उस साइड थोड़ा सा दूर तक हमको घूमना है, तो बाइक लेकर के हम अभी नाव पे चढ़ गए हैं। हम उस साइड से जो है इस साइड आ गए हैं बाइक लेकर के, और पीछे कुछ कुछ घर है और एक सोलर पैनल है वहाँ पे लगा दिखा है हमको, तो वहाँ पास में जाकर देखते हैं। नाव पे जो है काफी अच्छा फील हुआ, एकदम ठंडा ठंडा हवा और पानी का लहर जो है एकदम एक अलग ही वाइब आता है देख करके। इधर कोई रोड कुछ नहीं है, है। मैडम क्या बोल रहे हैं? फिर आवे लचार। हमको लगता है सबके पास वाइट बल्ब जलाने के लिए दिया। पंखा तो यहाँ का हवे बस। रुको रुको रुको, हाँ दर्शाएंगे यहाँ सब चीज। पावर ग्रिड है क्या यहाँ पे? आप अभी हमारे पीछे देख रहे हैं ये सोलर पैनल लगा हुआ है और इनसे ये पीछे के आसपास के गांव है, यहाँ पे कुछ घर बसे हुए हैं जिनको यहाँ से बिजली जो है पूर्ति की जाती है। वैसे आजकल जो है सोलर पैनल का काफ़ी चलन हो चुका है और इनका ज़्यादातर बेनिफिट जो है अभी गांव घर के लोग ही उठा रहे हैं, और शहरों में भी काफ़ी लग रहा है, लेकिन यहाँ बिजली नहीं पहुँच पाती है ना कोसी नदी के कारण, इनके वजह से जो है यहाँ पे लगाया गया है और काफ़ी अच्छे तरीके से लगाया गया है। और इनसे लगभग यहाँ के कुछ गाँव है, ज़्यादा नहीं है घर, सभियों को जो यहाँ से बिजली आराम से मिल जाती है। और बिजली भी मिलती होगी तो बस 2-3 बल्ब जलाने के लिए, जो 10 वाट का 20 वाट का बल्ब होता है वो जलाने के लिए। यहाँ तो पंखा का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है गांव में, यहाँ का हवा ही नेचुरल हवा ही पंखा है, एसी है, कूलर है। तो हम अभी आपको पास से दिखाते हैं इस सोलर पैनल को किस तरह से कनेक्शन इनका हुआ है। यहाँ MCB लगा हुआ है, कुछ कनेक्शन किया हुआ है। ये वायर जो नीचे जमीन में गाड़ दी है।
और इनका सारा सिस्टम इसमें बैठा हुआ है। इस सोलर पैनल से जो है बिजली यहाँ के कुछ घरों में जाती है, उनके बाद वहाँ के कुछ घर में, और ये हो गया, और बाकी इधर के कुछ घर हैं इनमें जाता है। और बाकी उधर भी गांव है, तो उधर हमको लगता है कि उधर भी सोलर पैनल लगा हुआ है। हमको दूर यहाँ से दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, इसमें वैसे नहीं दिख रहा होगा, हमको वहाँ दिख रहा है कि एकदम वो उस कुछ पेड़ सब जो दिख रहे हैं वहाँ पे है एक सोलर पैनल। तो इनसे जो है बस यहाँ के कुछ गांव है, ये गांव है, सॉरी ये घर है, और ये कुछ घर है जिनको यहाँ से जो बिजली मिल रही है। अब अभी हम यहाँ से फिर से रिटर्न जाएंगे, हमको उस तरफ से जो है दूर से दिखा हमको सोलर पैनल, तो हमको लगा कि यहाँ जाना चाहिए, आप लोगों को दिखाना चाहिए। अब यहाँ से हम फिर रिटर्न जाएंगे। हमने नाव वाले से बात कर रखा है कि भैया हमको जो है नदी में घुमा दीजिए थोड़ा सा, तो वो कुछ पैसे के लिए बोले हैं, तो हम उनको देंगे। और अभी जा रहे हैं कि नाव पे हमको घूमना है, लगभग 10-5 चक्कर लगाएंगे, उनके बाद फिर उस तरफ जाएंगे। अभी हम रिटर्न आ करके फिर से नाव पे चढ़ गए, अब गाड़ी को उस साइड उतारेंगे, और कुछ भीड़ भी है, ये अगर हट जाए तो बोले हैं कि नाव से ये घुमा देंगे हमको थोड़ा सा नदी में। यहाँ पे पानी है लेकिन यहाँ थोड़ा चौड़ा है, तो इसी में घूमना है। आजा आजा, हमारा एंट्री जो है हो चुका है नाव पे, बस 3 आदमी है और 3 ही आदमी को घुमाएंगे, बाकी भैया लोग अभी वेट कर रहे हैं थोड़ा सा इन लोगों का। मजा इतना आ रहा है कि मत पूछिए, बड़ा बड़ा विदेशी टूर फेल है यहाँ पे। वहां से खुला था बेचारा, वो लोग कह रहा था हम लोगों को छोड़ के इन लोगों को घुमा रहा है। अभी ये टर्न ले लिया ऐसे करके, अब हम वही जगह पे पहुंचने वाले हैं जहां से ये नाव खुला था। शहर लगभग पूरा होने वाला है। रस्सी फेंक दिया, तो अभी जो है नाव का शहर कर लिए पूरा नदी का। अब एक चीज और है जो आपको बारीकी से दिखाना है, अच्छे तरीके से दिखाना है, वो उस टाइम हम नाव पे सही से बोल नहीं पाए और ना ही सही से आपको दिखा पाए, तो अभी हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। ये देख रहे हैं मेरा पीछे, वो दूर तक जहां पेड़ लगा हुआ है, और इधर दूर तक जहां तक आपको पेड़ दिख रहा है वहां तक सभी में यहां पे जो है खरबूजा का, ककड़ी का, खीरा का पौधा लगाया हुआ है। और ये लोग जो है ना यूपी से आए हुए हैं, और काफी अच्छा नॉलेज है इन लोगों को यहाँ पर खेती करने का, यहाँ के लोगों को नॉलेज नहीं है इन सब चीजों का। अभी हम दिखाते हैं, ये यहां से शुरू हुआ है और ये पूरा पूरा देख लीजिए, ये तो बस एक है ना, यहाँ देखिए ऐसे, ये छोटा 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 है इसे, और बड़ा बड़ा इधर बड़ा साइज का है। ये अभी सिर्फ तरबूज का है, ककड़ी का भी है,
खीरा का भी है और अलग अलग फल भी ये लोग क्या कहते हैं सब्जी भी उगाते हैं अच्छे तरीके से तर बनाए। और यहाँ पे ये पानी जो है ये छोटा सा मशीन है जिनसे पानी ये लोग डालते हैं इन सब चीजों में। तो आप लोगों ने देखा और देख ही रहे हैं कि यहाँ की खेती, यहाँ का खेत जो है, यहाँ की मिट्टी कितना उपजाऊ है। और ये खेती यहाँ पे लगभग 4-5 साल से ही हो रहा है, उससे पहले कोई किसी को नॉलेज नहीं था। और ये यूपी वाले भाई लोग ही आके यहाँ पे दिखा दिए करके कि देखो यहाँ पे ये सब चीज़ हो भी सकता है। हीरो बन रहा है खाली ना, दे रहे हैं दूसरे को खाने। हारियो का तरीका ना, कुछ नहीं करने देखिए कितना लाल है।